लिख रहा फयाज, उसके हस्बैंड का नाम सुरेब अहमद है। सुरेब अहमद जो कि मेरा बेमही लगता है, उसने मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, उसकी हालत नासाज़ हो गई, मेरी बहन को जहर देने की कोशिश की गई। हम अपनी बहन को बाजियाब कराने के लिए जैसे ही मौके पर पहुँचे उनके घर, तो मेरे बेमही ने मुझ पर भी हमला कर दिया। मुझे एक ये छुरी मारी, एक मेरे ये बाजू के नीचे छुरी मारी है, ठीक है, और एक ये मेरे भाई को आप देख सकते हैं, एक मेरे भाई को ये छुरी मारी गई, ठीक है, और एक ये मेरी बहन की आप हालत देख सकते हैं। वो इस वक्त इस हालत में भी नहीं है कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा सके, और इसको जहर देने की भी कोशिश की गई है। तो मेरी तमाम अफसरान बाला से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, 27 साला इकरा, जिसकी 3-3.5 साल की बेटी है, उसे पुरतशद्दुद तरीके से जुल्म जबर का निशाना बनाया गया। ये वाकया इस तरह हुआ कि जब कल एक इन खातून का पैगाम जाता है अपने भाई को और वो ये कहती है कि मैं खुदकुशी की कोशिश कर रही हूँ, तो उस सूरत में भाई जुनेद और अवैस जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो मुश्तइल शख्स जो कि बनाम इस खातून का सिर्फ हावंद है, वो उन पर भी हमलावर हो जाता है। पहले हाथों लातों घूंसों से उनका स्वागत करता है और फिर बाद में चाकू से उन दोनों भाइयों को जख्मी करता है, जिसकी बकायदा तौर पर FIR भी हो चुकी। खातून से बहुत महसूस गुफ्तगू करूंगा क्योंकि उसके जज्बात में जानता हूं, उस औरत के दर्द को समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहुत शुक्रिया, मैं जज्बात आपके समझ सकता हूं, लेकिन अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये मामला हुआ क्यों और ये कितनी देर से ऐसे चल रहा है। मेरी शादी को 4.5 साल हो गए और 4.5 साल से ही ऐसे चल रहा है। वो हर वक्त जब भी मतलब आते हैं गुस्से में, मज़ीद बहुत तशद्दुद करते हैं मुझ पर, कभी स्ट्रेटनर गर्म करके लगाना, कभी नाइफ गर्म करके लगाना, कभी हाथों से, कभी टांगों से, हर तरह से मारना। इवन के अलमारी में सर दे के भी सर मारता था मेरा बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं अपनी बेटी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही पहले से, लेकिन इस दफ़ा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इवन के मैं इसके डर से अपने रूम में कुछ ना कुछ चीज़ रखती थी जो जिससे अपना बचाव कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने घर वालों से बात करने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए मैं अपने बचाव के लिए उसमें घर में कोई ना कोई चीज़ रखती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा। बताइएगा कि कल आपने, आपके भाई ने ये हमें बताया कि कल आपने खुदकुशी की भी कोशिश की, ये कहाँ पे मामला इस नहज पर पहुँच गए? और अगर आप बुरा ना मनाएं तो मेरे कैमरामैन से मेरी दरख्वास्त होगी कि आपकी आंख दिखा सकें, जो कि इस वक्त इंतहाई मुतासर है। और ये हाल है जनाब उन दहशत गर्दों का, आप जिन मर्जी को दहशत गर्द कहें, ये हैं असल में वो दहशत गर्द जो कि समाजी रवायात को बरकरार रखते हुए औरत को, सिन्फ़ नाजुक को आज भी उसी ही तशद्दुद का निशाना बनाते हैं जिस तरह पहले माशरों में बनाया करते थे। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आप पे कल क्यों ये ऐसा वक्त आया कि आपने बकायदा तौर पे ये प्लान कर लिया कि आपने इस दुनिया में नहीं रहना? मैं कल खाना बना रही थी, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी। मैं खाना बना रही थी, कढ़ी चावल, उन्होंने कहा कि मतलब पानी भरने वाला आ रहा है, सिलेंडर पे हम बना रहे थे, उन्होंने कहा पानी भरने वाला आ रहा है। मैं अंदर चले गई, वो जो आंच थी ऑयल के नीचे से वो मैंने हल्की नहीं की, जिस वजह से मैंने उनसे कहा, मैंने कहा है, कहते हैं आपने आंच हल्की क्यों नहीं की, मैंने कहा मैं, आपने खुद ही तो कहा था कि पानी भरने वाला आने लगा है, तो आप अंदर चली जाओ, मैं इसलिए अंदर चले गई, मैं इसलिए भूल गई। मैंने बाद में वो चले गए रूम में, उसमें मुझे ना बहुत गालियाँ देने लग गए, मेरे माँ बाप को बहुत ज़्यादा गंद बोलने लग गए। मैंने इनसे सॉरी भी कहा, मैं कहा अच्छा चलें सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, वो बोलते रहे बोलते रहे, इतने में मेरी तबीयत ना ख़राब होने लग गई, मेरे हाथ ऐसे कांपने लग गए कि मेरे से खाने का चम्मच भी छूट गया, गिर गया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जुरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, जुरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, कि मुझे नहीं लेके गए। मेरे दिल को कुछ होने लग गया, मेरा सांस, ये जब भी मुझे तशद्दुद करते थे ना, हमेशा मेरा सांस बंद कर देते थे, जब भी तशद्दुद करते थे मेरा सांस बंद कर देते थे।
इसकी वजह से अब ज़रा सी भी कोई भी वैसी बात होती है मुझे सफोकेशन होने लग जाती है, मेरे सांस आने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। मैं नीचे चले गई बाहर, क्योंकि मुझे पता था जब ये इस तरह पियाते हैं ना ये बहुत मारते हैं। मैं इसलिए ना नीचे गई, बाहर गई अपने आप बचाव के लिए, अपने डॉक्टर पे जा सकूं। ठीक है, तो इन्होंने बाइक के पीछे मेरे आ गए, ये बाइक के पीछे आए हैं तो मुझे कहते हैं तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर जाके कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा अरे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे जाने दे प्लीज़। कहते हैं नहीं तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम घर चली जाओ। मुझे घर ले आए, घर लेके मुझे पता था इन्होंने घर जाके यही तशद्दुद करना है। मैं ऊपर नहीं जा रही थी, इन्होंने पहले नीचे ही मुझे मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरे अंदर नाक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई। कहते तुम ऊपर जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं ऊपर जाके ना अपने भाई को फ़ोन करती, तो मैं ऊपर जाके तो फ़ोन करने लगी। इतनी देर में मतलब दरवाज़ा बंद ही करने लगी थी, कहते ये दरवाज़ा खोल के अंदर आ गए, और इन्होंने दरवाज़ा बंद करके मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा ही तशद्दुद किया है। फिर मुझे जहर पिलाने की भी कोशिश की है। मैं इसीलिए इस हद तक इस वजह से आई थी कि मैं अपनी बेटी के लिए, इन्होंने जब भी कहते थे हमने तुम्हारी बेटी की छीन लेनी है, तुमसे तुम्हारी बेटी छीन लेनी है। और ये सब कुछ मैं अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त इतनी देर से कर रही थी। जब भी ऐसा कुछ होता था सबसे पहले मैं अपनी बेटी को पकड़ती थी, और ये सबसे पहले कहते थे तुम्हारी वो बेटी ही नहीं है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। जब मैं अपनी तबीयत ख़राब के लिए हॉस्पिटल जाने लगी थी, जबकि ये खुद मुझे बाइक पर बिठा के घर लेके आए, और बाहर में आके कहते हैं कि ये तो इसका किरदार ठीक नहीं थी, ये घर से भागने वाली थी घर के। अगर मेरा किरदार सही नहीं था, ये नहीं था, तो फिर ये मुझे पीछे से क्यों लेने आए बाइक पर बिठा के। इन्हें पता था कि ये अपनी वहशियत उतार सकें, अपना जुल्म मतलब कर सकें जो उन्होंने किया। बहुत मैंने इनसे कहा भी था कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, ये मुझे जाने भी नहीं देते, रूम से बाहर भी नहीं निकलने देते। अगर थोड़ी 5 मिनट की देरी होती तो शायद मैं जिस दुनिया में भी ना होती। आप यकीन कीजिए, ये वो बेशरम हावंद हैं जो किसी भी वजह से अपनी खातून पर, अपनी बीवी पर किरदार कशी का इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं कि उन्हें कोई बहाना नहीं मिलता। और फिर इस एक बच्ची को जब उन्हें कोई और जवाब नहीं मिलता, ज़ुबान से ट्रीट नहीं कर सकते, ज़ुबान से ज़ुबान की बंदिश नहीं करवा सकते, तो मार कुटाई पर आ जाते हैं। हमारे साथ खातून बच्ची के भाई भी मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अगर वो यहाँ पर आ सके मेरे पास, तो उनसे पूछते हैं कि कल उनके साथ जो मामला हुआ वो भी हमें बताएँ, और आकर ये बताएं कि कल उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पहले तो बहुत अफसुर्दगी के साथ माजत हूँ कि मैं इस वक्त आपके जज्बात भी समझ सकता हूँ बेबी, क्योंकि नाज़रीन को दिखाना मकसद है, इसलिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। बताइएगा कल क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कल मैं किसी काम से बाहर गया था तो मुझे अचानक एक कॉल रिसीव होती है, तो मेरी बहन को किसी को कॉल करने की इजाज़त नहीं है घर में किसी को भी, तो इसका नंबर भी मेरे बेनोई ने चेंज कर दिया हुआ है। तो मैंने अचानक से कॉल जैसे ही अटेंड की तो आगे से इसकी आवाज़ थी, और ये बोली है कि मैंने जो है ना जहर खा लिया तो मुझे बचा लो। मैंने जैसे ही इतना सुना तो मैंने अपने छोटे भाई को भी कॉल की, अपने वाले साहब को भी कॉल की कि आप मुझसे पहले वहाँ पर पहुँचे, मैं ज़रा दूर हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ घर के बाहर, तो मुझे जो है ना मेरी बहन के चीखने की आवाज़ आई है। हम तो 15 पे कॉल करके हम पुलिस का वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसके चीखने की आवाज़ सुनी तो हमने दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक शायद पुलिस आती तब तक वो कुछ भी कर सकता था। तो हमने अपनी बहन को छुड़ाने के लिए दरवाज़ा नॉक किया, तो इतने में वो ऊपर से आया आके, तो वो हम मैं और मेरा भाई था और मेरे वाले साहब थे, हम पे वो हमलावर हुआ, तो हमने भी अपने दिफा के लिए उसको मारा। उसके बाद वो अंदर गया और एक चाकू ले आया, चाकू के साथ उसने मुझे ये मेरी चेस्ट पर वार किया और एक यहाँ पे वार किया, ये यहाँ से चाकू अंदर चला गया और मेरे भाई के यहाँ पे बाजू उसने, भाई साहब आप भी हैं इधर, और इसके बाद जो है हम पुलिस स्टेशन चले गए हैं। पुलिस स्टेशन वालों ने सीधा हमें एम्बुलेंस मंगवा के 1122 को कॉल किया और वो हमें गंगाराम हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने मेडिकल करवाया और DSP साहब मौका पर मौजूद थे, और उन्होंने जो है 324 का पर्चा भी दे दिया उस पर। और वो सब लोग जो है ना अभी फरार हैं, उनके घर में रेड भी कर रही है पुलिस, लेकिन वो अभी बरामद नहीं हो सके। जुनेद अपना बाजू दिखाइएगा, आपके बाजू पे जो चोट आई है, और आप मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आप पर भी उसने छुरियों पर हमला कर दिया। सर मुझ पर भी उसने हमला किया, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। ये सारे थाने चले गए, मैं पैदल ये बाइक पर चले गए, हमारी बाइक सुधर ही थी, ये मैं मार रहे थे, मैं थाने की तरफ पैदल ही चला गया हूँ। मैं जैसे ही मार्केट क्रॉस किया, प्यास लगी, मैं पानी पीने लगूँ, दोनों भाई आए हैं,
ठीक है, एक ने छुरी पकड़ी थी, सारे विटनेस भी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने पीछे से हमला किया मुझे, मुझे यहाँ पे छुरी मारी उन्होंने, ठीक है, दोनों भाइयों ने मुझे ज़मीन पर लटा के मारा है, छुरी वहाँ पे गिर गई है, उतनी देर वो वापस गए हैं, दोबारा फिर आए हैं छुरी उठाने के लिए, उतनी देर पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और पुलिस आ गई थी, ठीक है, पुलिस के हाथ वो चाकू जो है वो भी उनको अवेलेबल हुआ उस टाइम, ठीक है, तो वो भाग गए ऊपर से, जब मैं डाला पुलिस के साथ जा रहा उनका घर दिखाने के लिए, वो रास्ते में पकड़ा भी गया, मैंने उनको कहा ये पकड़ लो, ठीक है, कहता मैं उठाने जा रहा हूँ, उठाने जाकर फिर फरार हो गया, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया उसका नंबर वन। ये देखे नाजरीन, ये है वो भयानक चेहरा जो आप पुलिस में तबादले कर रहे हैं बड़ी बड़ी सतहों पर, ये है वो असल चेहरा जो आप किसी सूरत नहीं छुपा पाएंगे। सरकारे वाला, आपको छुपाने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अपने हाथों से मुलजिम को फरार करवाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रेड लाइन क्रॉस हुई है वहां पर मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? ये एक वो सवालिया निशान है जो कि शायद आप कभी भी अपने सवालिया निशान को साफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा मोहतर, मुझे ये बताइएगा आखिर में कि जो कल मामलात पेश आए उसके बाद आपने अपना MRC भी करवाया होगा, तो उसके तहत 324 का पर्चा भी हो गया, अब आप क्या अभी भी, मैं ये बहुत अहम सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रुझान है कि बेटी जब अपने घर चली जाए तो उसकी लाश वहाँ से आनी चाहिए, उसे अपना बाफाजत नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर बदकिस्मती से ये रुझान है, अभी भी आप बेटी को भेजेंगे वहाँ पे? सर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम दोबारा इसको वहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि जो कंडीशन हमने कल उसकी देखी है और इतना कुछ अपने आप पे तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद भी हम इसको वापस नहीं भेजना चाहते और कभी भी नहीं भेजेंगे। अगर ये बच्ची भी हमें पालना पड़ती है तो हम इसको भी पालेंगे, ये भी हमारी बेटी है, जहाँ हम अपनी बहन को पालेंगे वहाँ उसकी बच्ची को भी पाल लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ये सब आपने गुफ्तगू सुनी, फादर भी मौजूद हैं इकरा के, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? पुलिस की कस्टडी में हमें हॉस्पिटल पहुँचाया है, ठीक है, उधर फिर DSP साहब आए हैं, उन्होंने पर्चा कटवाया। मुलजिम कैसे फरार हो? हाँ, वो जब उसने देखा ना कि इसको लेके आए हैं पुलिस वाले डाले पे, वो डाला देख के तो भाग गया, पहले वो थाने अंदर आया इनके पास। ये मौकफ है, हम किसी को मौकफ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी को मौकफ में तब्दीली का भी नहीं कह सकते, लेकिन तल हकीकत ये है कि आज भी पंजाब पुलिस के हाथों मुलजमान वैसे ही फरार होते हैं जैसे माजी में फरार होते आए हैं, और अगर इस बार भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रेड लाइन क्रॉस होने के बावजूद भी इस मुलजिम के साथ किसी किस्म की रियायत बरती गई, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे उसका कितना कुछ ताल्लुक हो, चाहे वो दुनिया का पता नहीं कौन सा बादशाह हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ये, मैं आपसे बात करते हुए आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप बिरहवतीन को अपनी रेड लाइन करार देना छोड़ दें, क्योंकि आपसे अपनी रेड लाइन का तहफ्फुज़ नहीं हो रहा। अहमद रियाज बलोच को इस वीडियो से दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।